या इलाही बख्श दे सैयद को रोजे हश्र तो। कर्नाटक के मामले में लड़की के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लड़की के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, करनी भी चाहिए, उसने जो हौसले वाला काम किया। लेकिन यहाँ पर मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा लड़कों को कि एक लड़की जो रब कहार का नारा सैकड़ों भौंकने वाले कुत्तों के दरमियान में बुलंद कर सकती है सिर्फ अपने हिजाब के लिए, तो उन लड़कों या नौजवान मर्दों को कब गैरत आएगी जो आज भी अपनी दाढ़ियाँ कटवा के अपनी शक्लों को औरतों और यहूदियों की तरह बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। अगर आज भी उनको उस लड़की के हौसले को देख के शर्म नहीं आई तो गैरत उनके अगर अब भी नहीं जाएगी तो उनको डूब के मर जाना चाहिए कि एक लड़की अपने फ़र्ज हिजाब के लिए लड़ सकती है। और आज नौजवान घर वाले दाढ़ी नहीं रखने देते, बीवी दाढ़ी नहीं रखने देती कहकर बीवी की ग़ुलामी कबूल करते हैं, लेकिन एक सुन्नत जो वाजिब के दर्जे की उसको अदा करने में हिचकिचाते हैं। तो अगर वाकई लड़की के इस हौसले से उन नौजवान दाढ़ी कटाने वालों की गैरत नहीं जाएगी तो फिर वाकई उनको डूब के मर जाना चाहिए। कब से अपनी खताओं का शुमारा